कहानी की शुरुआत में सिंजी को दिखाया जाता है जो किसी को कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शहर में इमरजेंसी अलर्ट के कारण कॉल नहीं मिलता। तभी सिंजी देखता है एक एंजल को जिस पर नर मिलिट्री हमला कर रही थी, पर एंजल पर हमले का कुछ असर नहीं होता। तभी वहाँ मिसातो आती है जो सिंजी को लेकर नर्व हेडक्वार्टर जाती है। अब नर्व मिलिट्री एंजल पर N2 बॉम्ब दागती है, लेकिन एंजल को कुछ नहीं होता। अब मिसातो सिंजी को रित्सुको से मिलाती है, जिसके बाद सिंजी अपने डैड गेंदो से मिलता है, जिसके बाद गेंदो उसे इवेंजलियन 1 का पायलट बनने को कहते हैं, लेकिन सिंजी मना करता है, जिसके बाद रित्सुको और मिसातो उसे समझाती है, लेकिन सिंजी इनकार करता है। तभी वहाँ रे को लाया जाता है। नर्व में ईवास को चलाने के लिए कुछ बच्चों को चुना जाता है, जहाँ रे फर्स्ट चाइल्ड है, आसुका जो आगे सीरीज में दिखेगी वो सेकंड चाइल्ड है, और सिंजी को अब थर्ड चाइल्ड चुना गया है। अब रे को जब लाया जाता है तो सिंजी देखता है वो बहुत घायल है। उसकी इतनी बुरी हालत देख सिंजी इवेंजलियन 1 को पायलट करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे इवेंजलियन 1 में इंजेक्ट करा जाता है, जहाँ कैप्सूल में LCL भर जाता है। LCL एक लिक्विड है जिसमें इवेंजलियन के पायलट सांस ले सकते हैं। अब सिंजी को इवेंजलियन 1 में लॉन्च करा जाता है। एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। अब सिंजी को इवेंजलियन 1 में लॉन्च करा जाता है, जहाँ सिंजी एंजल से नहीं लड़ पाता क्योंकि वो पहले बार इवेंजलियन को चला रहा था। इसके बाद एंजल इवेंजलियन 1 के हेड पर वार करता है, जिसके बाद इवेंजलियन 1 के सभी कंट्रोल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी इवेंजलियन 1 दोबारा जागता है, और इस बार इवेंजलियन एंजल को काफ़ी बुरी तरह मारता है। एंजल सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है अपने आप को। एंड में इवेंजलियन 1 का हेड कटकर गिर जाता है। अब सिंजी की आंखें नर्व के हॉस्पिटैलिटी रूम में खुलती हैं। वहीं दूसरी ओर यूनाइटेड नेशन कमेटी और गेंदो के बीच कुछ मीटिंग हो रही होती है। नर्व हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करता है। आगे मिसातो सिंजी को अपना रूममेट बनाती है, जिसके बाद मिसातो सिंजी को टोक्यो की फोर्ट्रेस सिटी दिखाती है। फोर्ट्रेस सिटी को एंजल के हमले से बचने के लिए बनाया गया है। जब भी एंजल्स आते हैं तो ये सिटी अंडरग्राउंड हो जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में सिंजी अब इवेंजलियन को चलाना सीख रहा होता है, जिसके लिए वो इंडक्शन मोड पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब सिंजी स्कूल जाता है, जहां हमें पता लगता है उसका कोई फ्रेंड नहीं है। सिंजी स्कूल में रे को भी देखता है, और स्कूल में हम कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स को भी देखते हैं, तोजी सुजुहारा, केंसुका आयदा और हिकारी होराकी, जहाँ तोजी और आयदा फ्रेंड्स हैं और हिकारी क्लास मॉनिटर। आगे तोजी आयदा को बताता है कि पिछले हमले में उसकी बहन घायल हो गई थी और अभी वो हॉस्पिटल में है। तोजी सिंजी को इसके लिए पंच मारता है, क्योंकि उसकी बहन एंजल और इवेंजलियन की फाइट में घायल हुई थी, जिसे सिंजी चला रहा था। तभी एक और एंजल का हमला होता है, जिससे लड़ने के लिए सिंजी को इवेंजलियन 1 में लॉन्च करा जाता है। एंजल इवेंजलियन पर वार करता है, जिससे उसकी अम्बिलिकल केबल कट जाती है। अम्बिलिकल केबल वो केबल है जो इवेंजलियन को लगातार चलने के लिए पावर प्रोवाइड कराती है। इवेंजलियन इस केबल के बिना बस 5 मिनट ही काम कर सकता है। अब एंजल के हमले से इवेंजलियन 1 पहाड़ पर जाकर गिरता है, जहां उसे आयदा और तोजी दिखते हैं। सिंजी आयदा और तोजी को इवेंजलियन 1 के कॉकपिट के अंदर ले लेता है, जिसके बाद मिसातो मिशन अबॉर्ट करने को कहती है, लेकिन सिंजी उनकी नहीं सुनता और इवेंजलियन 1 के प्रोग्रेसिव नाइफ द्वारा समय रहते एंजल को हरा देता है। तोजी ये देख कि सिंजी को इवेंजलियन 1 के अंदर बैठ लड़ने में कितनी मुश्किल होती है, वो उसे मारने पर पछतावा करता है। अब सिंजी अगले 5 दिन तक स्कूल नहीं जाता, जिसके बाद तोजी और आयदा सिंजी के घर आते हैं, क्योंकि तोजी सिंजी से माफ़ी मांगना चाहता था। लेकिन वहां उन्हें मिसातो मिलती है, जो तोजी को बताती है कि सिंजी घर छोड़कर चला गया है। असल में लड़ाई के दौरान सिंजी ने मिसातो के ऑर्डर नहीं माने थे, तो मिसातो ने उसे काफ़ी डांटा था, जिस कारण वो घर छोड़ चला गया। अब आगे आयदा शाम में कहीं कुछ प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसे सिंजी दिखता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच बातें होती हैं, जहां हमें पता लगता है सिंजी और आयदा दोनों की मदर्स अब इस दुनिया में नहीं हैं। अगले दिन सिंजी को लेने नर्व सिक्योरिटी इंटेलिजेंस के कुछ लोग आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। अब नर्व हेडक्वार्टर में मिसातो सिंजी को कहती है कि तुम्हें नर्व छोड़ना है तो छोड़ दो, जिसके बाद सिंजी नर्व से रिजाइन कर देता है। अब नर्व सिक्योरिटी उसे स्टेशन छोड़ने जाती है, जहां तोजी सिंजी को पंच करने कहता है, जिसके बाद सिंजी तोजी को पंच हिट करता है। तोजी ने ऐसा इसलिए करा ताकि वो सिंजी से
अपनी पिछली गलती के लिए माफ़ी मांग सके। अब तोजी और आयदा सिंजी से कहते हैं कि वो चाहते हैं कि सिंजी इवेंजलियन को पायलट करे, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। अब सिंजी स्टेशन पे होता है, तभी मिसातो वहाँ आती है। मिसातो सोचती है कि सिंजी ट्रेन में बैठ चला गया, लेकिन सिंजी स्टेशन पर ही होता है, वो नर छोड़कर नहीं जाता। इस एपिसोड की शुरुआत 22 दिन पहले के इवेंजलियन जीरो के एक्सपेरिमेंट को दिखाते हुए होती है, जहां रे इवेंजलियन को पायलट कर रही थी। तभी इवेंजलियन जीरो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो रे के कैप्सूल को ऑटो इजेक्ट कर देता है, जिसके कारण रे को काफ़ी चोट आती है। इवेंजलियन जीरो को शट डाउन कर दिया जाता है। रे को शिंजी के डैड गेंदो बचाते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां गेंदो और कोजो टूटे हुए एंजल कोर की जांच कर रहे होते हैं। तभी शिंजी उनके हाथ पर जलने के निशान को नोटिस करता है, जिसके बाद रित्सुको से बताती है ये ईवा जीरो के एक्सपेरिमेंट के दौरान हुआ, जब उन्होंने रे को बचाया। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां रे ठीक हो चुकी है और वो दोबारा ईवा जीरो को पायलट करने के लिए तैयार है, जहां गेंदो रे से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। शिंजी ये सब कुछ इवेंजलियन बन के अंदर से देख रहा होता है। आगे रित्सुको, मिसातो और शिंजी एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहां रित्सुको शिंजी को रे का आइडेंटिटी कार्ड रे को देने कहती है। अगले दिन शिंजी रे के घर जाता है, जहां वो अपने डैड के चश्मे को देखता है। अब रे और शिंजी नर्व हेडक्वार्टर जाते हैं, जहां शिंजी रे को उसका नया कार्ड देता है। अब शिंजी रे से कहता है कि तुम्हें डर नहीं अगर तुम्हारा ईवा फिर खराब हो गया तो, जिस पर रे कहती है क्या तुम्हें अपने फादर पर भरोसा नहीं, जिस पर शिंजी कहता है नहीं। तभी रे उसे स्लैप करती है। अब ईवा जीरो को रिएक्टिव करा जाता है और इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आगे एक और एंजल रमेल आसमान में दिखाई देता है। तभी इवेंजलियन वन को लॉन्च करा जाता है, जिस पर एंजल रमेल बहुत पावरफुल हमला करता है। हमले के प्रभाव से इवेंजलियन वन का कोर भी क्लियर दिखने लगता है। इस हमले से अंदर बैठे सिंजी को भी काफ़ी तकलीफ होती है। अम्मी सातो इवेंजलियन वन को जल्दी से वापस बुलाती हैं, जिसके अंदर से सिंजी को निकाला जाता है जो घायल था। अब उसका इलाज करा जाता है। आगे एंजल हेडक्वार्टर पर हमला करने के लिए अंदर एंटर हो रहा होता है। इससे निपटने के लिए मिसातो गेंदो से रिक्वेस्ट कर इवेंजलियन पॉजिट्रॉन राइफल और पॉजिट्रॉन कैनन की परमिशन ले लेती है। पॉजिट्रॉन कैनन को चलाने के लिए पूरे जापान की बिजली को मिसातो को यूज़ करना पड़ेगा। अब सब कुछ तैयार हो जाता है। इवेंजलियन वन राइफल से शूट करेगा और इवेंजलियन जीरो उसे प्रोटेक्ट। अब शिंजी एंजल पर हमला करता है, पर पहला शॉट मिस हो जाता है, जिसके बाद एंजल शिंजी पे हमला करता है, जहां रे उसे बचाती है। अब शिंजी दूसरा वार कर एंजल को हरा देता है। इवेंजलियन जीरो का कैप्सूल बाहर गिर जाता है, जिसके बाद शिंजी उसके अंदर से रे को बचाता है।